अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ शकील चौधरी साहब और बब्बू राणा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बब्बू कैसे हैं आप? आप सुनाए डॉक्टर, आपकी हालत क्यों गैर हुई? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपका इस वक्त टोन बना हुआ है? क्या टोन बना है? बस राजू विला क्या करें। लेकिन बब्बू आपकी हालत से लगता है आप बहुत कुछ जरूर, मैं पागल होने वाला हो गया। हाँ, आपकी हालत पुन्नू जैसी होने वाली है। कभी पोस्टर नाग, कभी क्लाशन कूफ, कभी स्नोपर कूफ, इन्वर्टर पचोटर मौला। और भाई इसराव, कभी ये भी आलम था कि आप भी दानिश्वर थे और उनकी टीम में शामिल थे? शुक्र है शकील साहब, ऐसे बात तुसी जित जित के ना टाइम ला दो। अच्छा चलो दुआ करो, दुआ करो। सो लेट्स स्टार्ट। जी सर, पहली पर्सनालिटी इन हाउस शकील साहब वांट्स टू हिट द रोड ASAP, है ना? जी सर। शख्सियत मर्द? जी हाँ। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी हाँ। ओहो। ओ, अच्छा मेरी हर बात पे, अमेरिका चले जाए तब भी, ओ इंग्लैंड चले जाए, यूरोप चले जाए तब भी। नहीं, इस दफा फॉर अ चेंज किसी और वजह से ये खुशगवार वो होती है। हाँ, इट्स अ खुशगवार प्लेजेंट फीलिंग। कंपैरेटिवली इट इज गोइंग टू बी इजियर। वी नो कि जी आपने जो है स्टेटिस्टिक स्ट्रीक जो है, जब आप मेनलैंड यूरोप पे जाते हैं ना, मेनलैंड यूरोप पे बैन ना कर दे। पाकिस्तानी जिंदा शख्सियत है? जिंदा नहीं है बब्बन, जिंदा नहीं है जी। चले जी साहब, स्लीप डेप्रिवेशन इज हैविंग इट्स इफेक्ट। यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा जी, डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके? नो सर, 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा? नो सर, 1998 के बाद। 15 पे भी ले लें, 10 पे ले लें, 10 का ले लेते हैं, 10 का ले। हां, 10 साल से ज्यादा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10, अराउंड 2013। 9वीं तक 11वीं 2013। शोभा, क्या से तो हुकूमत? नो सर। शोबिज से भी है? भी है। दूसरा कौन सा जी शोभा? इल्म ओ फज़ल। शोबिज कोई शायर जो फिल्मी गाने लिखता है? अफसाना निगार, नावल निगार, जिस पर फिल्में बनी हो, जिसकी तहरीरों पर। इल्म ओ फज़ल? जी सर। कोई बात है जी, 11 सवाल। ड्रामा निगार, PTV की अहम शख्सियत। इल्म ओ फज़ल और शोबिज, मुन्नू भाई हो चुके? मुन्नू भाई तो रिसेंटली, लेकिन उनको भी 8-9 साल तो हो गए होंगे, मतलब कुड बी। हाँ लगता है ये अभी कल की बात। जर्नलिस्ट, राइटर, PTV। गिरेबान, लोगों को उनका कॉलम भूल गया, नाम गिरेबान था। जजीरा इज कलेक्शन ऑफ ड्रामाज। फिर आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग हिम, आई हैड द ऑनर ऑफ बीइंग हिज नेफ्यू। वो और मेरी मीटिंग उनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं स्टाइल गाइड डेवलप करना चाह रहा था। अच्छा। फॉर अ चैनल, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उनसे मिला। आई हैड आल्सो मेट हिम। उन्होंने बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने ये जकड़ बंद लूज करने के लिए कहा होगा, इसके अंदर ना घुसे रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कई चीज़ें बहुत अच्छी कही थी, काफ़ी नुकसान उनके, इसका क्या मतलब। हाँ, उन्होंने एक दफ़ा कहा था ना कि चाइना से राइटर्स का डेलीगेशन आया, तो एक पाकिस्तानी राइटर अपना तारुफ करवा रहा है कि मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ और मैंने 25 किताबें लिखी हैं, तो ये पीछे बैठे थे कहते हैं फिर भी बताना पड़ता है। बताना, मैं मशहूर आदमी हूँ। मशहूर आदमी। ज़िया शाहिद को एक साहब पेश कर रहे थे अपना कॉलम, तो उन्होंने देखते क्या दिया, यार ये क्या है, ये दो लाइनें जो है ना, ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। ऐसा सर ये मैंने कॉमेडी के तौर पर लिखी है। अच्छा ये पकड़ें, साइड पे छोटा सा लिखें, ये कॉमेडी है। गुड। मुन्नू भाई की वफात? मेरे ख्याल 8-10 साल हो गए होंगे। सर मुन्नू भाई पूछने के नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। जिस शख्स का तस्करा हम रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट वंस अ वीक करते हैं, कैसे हो सकता है कि ये हमसे वो पूछे? अच्छा जी, शोबिज से भी ताल्लुक है और
इल्म और फजल, इल्म और फजल से अदीब हैं जो जिनकी जिनका टीवी या फिल्म से ताल्लुक। दैट्स राइट। वजह शोहरत ये है कि शायरी है या वजह शोहरत टेलीविजन है या फिल्म है। अच्छा जी, आपने जरा बी स्पेसिफिक कि आपने कहा कि शोबिज से भी ताल्लुक है। जी सर। वजह शोहरत शोबिज नहीं है। सही है वो भी। और वजह शोहरत इनकी तहरीरें हैं। जी सर। वो इक्वल है दोनों, तहरीरें भी और शोबिज भी। लेकिन अगर आप दोनों को अगर बैलेंस करें, इल्म और फजल और शोबिज, तो शोबिज थोड़ा ज्यादा वे करती है वजह शोहरत। कोई शायर, कोई ड्रामा निगार, शायर। हमने सवाल पूछा था कि 10 साल से ज्यादा हो चुके, उनका नहीं, ऑलमोस्ट 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 10 साल। कतील शिपाही यहीं पे हैं, इसी पीरियड में आते हैं प्रॉबेबली, और हो सकता है थोड़ा सा पहले हो। लेकिन शोबिज वो कितनी ज्यादा उनकी वजह शोहरत, यही कहा है ना जी। जी शोबिज सर, इफ यू गो फॉर द परसेंटेज मे बी 60-40, बट यू कैन नॉट इग्नोर इल्म और फजल। 60 इज शोबिज। शोबिज डॉक्टर अनवर सज्जाद 10 साल नहीं, ही वाज अलाइव। नहीं सर 10 साल, ही इज डाइड रिसेंटली। नहीं नहीं मुझे याद, 2015 में आई लेफ्ट जियो, ही वाज अलाइव 2015। 10 साल नहीं नहीं, ये करना पड़ेगा कि जी ज्यादा काम टीवी के लिए है या आई थिंक 2018-2019 के करीब। ही वाज वेरी इल 17-18 के बाद, वो काफी बीमार थे। टीवी के लिए ज्यादा काम किया है या फिल्म के लिए, इससे थोड़ा सा। सवाल कितने हुए जी? से 11 सवाल। ज्यादा काम उन्होंने शोबिज के हवाले से टीवी के लिए किया। जी सर। टीवी की पर्सनालिटी है, कतील शिवाय नहीं हो सकता। सेंटर लाहौर कराची, ठीक है निखिल साहब, लाहौर कराची इस्लामाबाद। फारूक कैसर के इंतकाल को कितनी देर हुई? फारूक कैसर रिसेंटली नहीं, वो रिसेंटली है, 3-4 साल हुए, 3-4-5 साल हुए फारूक कैसर। टीवी के कौन से हैं जी बड़े नाम जो इससे मुंतबिक हो ना, इसके साथ इसके मुताबिक चलें, वो देखें। अतर शाह खान, उसकी फिकाहिया शायरी और टेलीविजन, टेलीविजन पे बेहतरीन काम। क्या ख्याल है? जेदी, जेदी का कैरेक्टर बड़ा इमॉर्टलाइज कर दिया तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ, बिल्कुल। एंड इक्वली गुड, बहुत अच्छा शायर अतर शाह खान। क्या ख्याल है? पूछ लें कि कराची सेंटर से ज़्यादा काम किया कराची सेंटर के लिए, ये अभी या कराची बेस्ड थे? और भी है ना कराची के। अच्छा वो मैं कंफ्यूज, अतर शाह खान पोएट भी थे या नहीं थे? मैं दिलावर फिगार के साथ कंफ्यूज कर, रेडियो पे बहुत काम, दिलावर फिगार के साथ मैं कंफ्यूज। अतर शाह खान ने रेडियो पे भी बड़ा काम किया। फिर अशफाक अहमद, तल्कीन शाह, टाली थल्ले, सुबह मेरे ख्याल करना पड़ेगा। ताल्लुक पंजाब से? नो सर। सिंध है जी, सीधा करांची जाए। करांची, अतर शाह खान, वो एक तो हो चुके हैं ना कमाल अहमद रिज़वी, हम कर चुके हैं। कमाल साहब आल्सो डाइड रिसेंटली आफ्टर 2015। तो सिंध पे जाया जाए। कमाल वाज अ वेरी बिग नेम अगेन, बहुत उससे बड़ा सटायरिस्ट, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट आता था, मेरे साथ बहुत शफकत मोहब्बत करते। आई इनवाइटेड हिम टू राइट फॉर इंडिया। Did he write? Yes. दूध पीते नवाब लिखा था, 3 एपिसोड, वेरी वेल रिटन। आज भी वो स्क्रिप्ट वुड बी अलाइव। कराची चला जाए जी, सिंध चला जाए। सिंध जाए, कराची जाए। ताल्लुक डॉक्टर साहब सिंध से? जी सर। 14 questions. एक तो आपके अतर शाह खान है। अतर शाह खान पोइट थे कि नहीं? That I am not but sure. But actually, he may have written. वो drama. नहीं, he was a great writer. हाँ, वो radio के लिए भी लिखते रहे ना. Great writer of his own. ये जो जेदी था, अंकल जेदी, वो क्या drama का नाम क्या था? Drama का नाम तो ये टाल मटोल? नहीं. तो ये कई कई plays में उसने काम किया. नहीं, जिसमें जेदी के तौर पे रहा. character. एक बड़ा खूबसूरत drama था. मेरा निशाना भाई साहब, सारा जमाना तीर पे तीर चलाऊं। वो एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा ना रेडियो पे, ये था उनका, कि क्या कोई वो खलाई मखलूक होती है? हाँ, मैंने खुद देखी है एक दफ़ा, मेरा फोटो भी छपा था
कि मिस्टर जेदी अजीबोगरीब खलाई मखलूक के साथ मिस्टर जेदी दाईं तरफ खड़े हैं। मैं बोलते हैं इस तरह करके जो बोलना का स्टाइल बड़ा शानदार स्टाइल था। मैं ना आ रहा था ना तो मैंने देखा यार क्या कमाल बढ़िया निकले अपने से बढ़िया निकली सटायर कमाल की सटायर थी और अदाकार उफ यार ऐसी शानदार कॉमेडी अब क्यों नहीं होती। अब जो है ना लेजी राइटिंग है परफॉर्मर्स पे बात हो रही है कि परफॉर्मर्स किधर गए वेयर हैव ऑल द परफॉर्मर्स गॉन। मैं शौकत सिद्दीकी तो पहले के हैं ना इनसे तो पहले के खुदा की बस्ती और बहुत पहले के तो ये पूछा जाए जी कि परफॉर्मर भी थे हाउ मेनी पीपल आर एलिमिनेटेड इन दैट वे। नहीं तो परफॉर्मर थे ही तो शोबिज से ताल्लुक है। नहीं नहीं मतलब हो सकता स्क्रिप्ट लिखते हो सिर्फ नहीं नहीं असर शाह खान तो एक्टर भी थे एक्टर हमने एक्टर कंफर्म नहीं किया अभी तो फिर जाइए उस तरफ मतलब एक्टिंग भी की तो उसमें कितने नहीं फिर ऐसा कर ले अदाकारी की बिना पर शोहरत हासिल की क्योंकि ही वाज फेमस फॉर हिज एक्टिंग शोहरत इन्होंने अदाकारी की बिना पर हासिल की। नो सर नो ही इज नॉट अतर शाह खान ये राइटर है कोई। 15 सवाल कराची में फिर बड़े लिखने वाले कौन से एक तो खातून थी वो हसीना मोइन थी डॉक्टर अनवर सजाद एक्टर भी थे बट ही वाज फ्रॉम लाहौर एंड अनवर सजाद वाज नॉट नोन फॉर हिज एक्टिंग ही वाज फ्रॉम लाहौर दो। मैंने डॉक्टर साहब को ढूंढा था फॉर स्क्रिप्ट डॉक्टर जियो के लिए वाज ही योर फाइंड ना करें मैं क्रेडिट इसका हमेशा मीर शकील को देता हूं। नहीं नहीं कौन जी डॉक्टर अनवर सजाद डॉक्टर अनवर सजाद शकील आदिल ज़ादा। अच्छा इत्तेफाक से मैं इन दोनों को उस दिन मिला जिस दिन मैं आपसे मिलने जियो गया था ना आई जस्ट मेट यू वंस देयर जिस दिन मेरी फिल्म की डील हो रही थी दिल तुमको दे दिया। अच्छा जी हु डाइड 10 इयर्स अगो ये सोच रहे हैं इश्फाक साहब तो आई थिंक पहले नहीं सर इश्फाक साहब तो पंजाब से थे ना पंजाब से ये तो कराची से ये कराची से हमें पूछना चाहिए यार अदाकार नहीं थे टीवी ड्रामा प्रोड्यूसर ज़ेन में आ रहे हैं इफ्तिखार खलील आ रहे हैं कासिम जलाली आ रहे हैं वो तो बट शहजाद खलील वो डायरेक्टर्स थे ना वो तो डायरेक्टर्स थे बट शहजाद खलील इज लॉन्ग बिफोर हां लेकिन नाम वही आ रहे ही डाइड इन द 80s तन्हाइयां तन्हाइयां एंड अनकई बोथ शहजाद खलील बिग वर्क ही न्यू ड्रामा इनके इंतकाल को 10 साल तकरीबन व्यूज पर्सन स्पीकिंग वेरी उनसे गपशप लगता। अच्छा जी अदाकारी उनकी वजह शोहरत नहीं थी नहीं पक्का पक्का राइटर है राइटर है राइटर्स में कौन से बड़े राइटर्स हैं कराची के एक तो खैर आई डोंट नो कासिम जलाली तो प्रोड्यूसर थे प्रोड्यूसर दूसरा एक और प्रोड्यूसर भी थे मोहसिन वेरी बिग नेम इकबाल अंसारी ही इज अलाइव इकबाल इज अलाइव मोहसिन अली इज पास्ड अवे मोहसिन पास्ड अवे इकबाल अंसारी वाज आल्सो गुड प्रोड्यूसर ऑफ ड्रामा छह उसने ड्रामा वेरी गुड बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हां अनवर मकसूद के पाए का कोई बंदा अनवर मकसूद के पाए के बंदे बहुत कम है भाई टीवी टीवी के लिए नगमे टीवी के लिए एक तो शायर थे सजीले जवानों बॉर्न इन दिल्ली जमीलुद्दीन अली के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उनका काम जो है वो 40% था और टीवी 60% था क्या बातें करें आप ये कुछ प्लेराइट है हाँ प्लेराइट ही है इज नॉट अ पोएट समझ नहीं आ रही कि प्लेराइट कौन है जमीलुद्दीन अली ने टेलीविजन पे क्योंकि उनको शोहरत टीवी से ही मिली है काफी काम किया किसने कहा ऐ वतन के सजीले जवानों टीवी से बहुत पहले कहा गया है पैंट दे क्या गया जी तो टीवी 64 में आया था सजीले जवान वो भी है और दूसरा भी है ना मेरे नगमे राणा जो है वो बड़ा जबरदस्त है जीवे जीवे ये तो मैंने पता चले जंग लग गई ते मैं
मैंने एक दफ़ा मैं डर गई हाँ तो फिर मैं सोचा हूँ मैं कल की करा मैं रेडियो चली गई फिर मैं जाके क्या माइक ऑन कर दियो उर्दू में इंटरव्यू दे उर्दू में इंटरव्यू पहले ने बड़े प्यार से बताया कि मैंने पीटीवी फ़ोन किया कि मैं नूर जहाँ बात कर रही रेडियो पे फ़ोन किया कि मैं नूर जहाँ बात कर रही हूँ तो उन्होंने बिलीव नहीं किया जब उन्होंने कहा कि मैं आ रही मैडम बंद करो तुम जंग लगी तो मजाक कर रहे हो नहीं उन्होंने माना ही नहीं कि मैडम नूर जहाँ फ़ोन कर रही है जंग में कि मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ स्टूडियो ते बड़ा ही प्यारा इंटरव्यू भरावान वास्ते मेरा ख्याल है हरज नहीं पूछने में कि शायर मैं समझ गया मेरा ख्याल है हरज नहीं है शायर सीट ग्रेसफुली ये 13वें सवाल के बाद कह देता है यार हाथ खड़े करो हैंड्स अप करो इट्स सो इजी शायर का कोई ताल्लुक नहीं है मैं नहीं मानता कि सिर्फ शायर है तो ये कहा जाए कि उनकी अच्छा जी आपने जो रेशो बताई थी वो क्या थी लाइक ज्यादा लाइमलाइट तब मिली जब शोबिज के साथ वही ना हमारे यहाँ किताबें कौन पढ़ता है टीवी पे आए तो मशहूर हो गए चलो 15 हुए एक सवाल कर ले इनके तरानों को शोहरत दवाम हासिल नहीं मतलब एक मिनट सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि शायर थे यार शायर भी शायर भी होते हैं भाई कौन और कौन नहीं, नहीं शायर होते हैं नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कुछ फिल्मी गाने लिखे हों जैसे नहीं नहीं भी जो तरानों में जो सवाल किया ना वो स्पॉट ऑन है कतील शिवाई ने फिल्मी गाने भी लिखे हैं। कतील शिवाई यहाँ के हैं। He was from हरिपुर। लेकिन उनकी पहचान पंजाब थी। Should we go? नहीं मेरा ख्याल शायरी का पूछ रहे हैं कि शायर थे। कौन? इसके अलावा और आप मतलब फिल्मी शायर और भी तो हो सकते हैं कोई टीवी के लिए किसी और आप पूछ रहे पूछ डॉक्टर साहब शायर थे नो सर नो जमीलुद्दीन आली ये प्लेराइट ही है कोई जिसने टेलीविजन के लिए लिखा है उससे पहले हो सकता है स्टेज के लिए लिखा हो अब तीनों हजरत असल शोहरत जो है वो टेलीविजन से आई इस वक्त कसौटी अपने कौन है जिसने पहले रेडियो या स्टेज के लिए लिखा हो पहली पर्सनालिटी हामिद मियां के हाँ कौन लिखता था मैंने तेरे जैसा सुना कोई लफ्ज़ ना इब्राहिम जलीस थे एक राइटर तो एक्टर भी थे नहीं वो नफीस थे इब्राहिम नफीस थे गौर करें थोड़ा सा कराची का प्ले राइट somebody who wrote plays क्योंकि आपके सटायर के जो है वो तो 50-50 इंतकाल को 10 साल के करीब ये तो जिंदा है कौन जिंदा है बाश में भी जिंदा है वो तो सारे जिंदा हैं और ना उनका कराची से ताल्लुक है मतलब है सबसे आम तो ये है ताल्लुक नहीं हाँ क्या नाम है इनका डॉक्टर यूनुस भट्ट नो नो यूनुस भट्ट नहीं ये यार फिल्म बोल वाले शुएब शुएब मंसूर शुएब मंसूर मैंने वही कहा ना 50-50 वाज शुएब कोई पुराने सिटकॉम्स को याद है सिटकॉम तो पहले जो है वो फैमिली फ्रंट टाइप ही थे फैमिली फ्रंट लाहौर का वही लाहौर का या फिर 50-50 था वो भी सिटकॉम ही था वो भी सिटकॉम था लेकिन 50-50 वाज शुएब मंसूर लेकिन लिखता तो कोई और होगा ना वो तो डायरेक्टर थे ना नहीं प्रोड्यूसर भी था शुएब अजी कराची सेंटर की बात हो रही हमने सिंध की बात की सर आपने सूबा सिंध से ताल्लुक पूछा क्यों हमने सूबा सिंध क्यों हमने पूछा हमने कराची सेंटर पूछना हमने कराची सेंटर पूछना चाहिए था इसलिए ये मुझे उसमें भी खुटक रहा था ये आप यहीं का कोई और देखिए और सिंध पे उन्होंने कहा हाँ सिंध से कि जमपल सिंध के होंगे ताल्लुक सिंध से होगा लेकिन बेशुमार लोग कराची से आके पंजाब में भी सेटल हुए ना इस्लामाबाद सेटल हुए कौन मोहम्मद रिजवी असैसिनेटेड उनके भाई थे ना पीपल्स पार्टी में बड़े एक्टिव थे इब्न रिजवी वो वैसे मजहबी वजूहात थे बल्कि वो कह रहे थे कि एक दफ़ा मैं ऐसे ही ना नारे लगाने वालों में फंस गया मैंने भी उनके साथ नारे लगाने शुरू कर दिए तो मैं बच गया बट हिज लक रैन आउट ही वाज असैसिनेटेड यस इट इज अ रोड रोड नेम्ड आफ्टर हिम यस व्हिच इज वेरी अनयूजुअल जमशेद अंसारी अदाकार थे ये हमने ड्रामा नहीं डिटरमिन किया हमने सिर्फ कहा कि शो बिज नहीं सर हमने टेलीविजन पे जो तहरीरें हैं या पोइट्री होती है ड्रामा होता है टेलीविजन पे क्या तहरीरें हमने पूछा जी टेलीविजन की तहरीरें हमने पूछा
टेलीविज़न की तरह हमने कहा टेलीविज़न वजह शोहरत है। हाँ ये हो सकता है कोई मजहबी शख्सियत हो जिनके कोई मजहबी प्रोग्राम टीवी पे बहुत मशहूर हुए जिन्हें शोहरत, जैसे नात खां हैं कुछ उनको, जैसे वो है ना, याद आया बात बन रही है ना, उधर जा रही है, और वो नात पढ़ा करते थे कारी वहीद जफर के, वो खुद नात कहते नहीं थे, पढ़ते थे और बड़े बाकमाल उनका अंदाज। इस तरफ जाइए, इसको टो कीजिए, वो भी हैं नासिर जहान मर्सिया। बट ही वाज लास्ट आई मेट हिम वाज इन रावलपिंडी। हु? नासिर जहान। नासिर जहान, नासिर जहान नहीं, मैं कारी वहीद जफर की बात कर रहा हूँ। कारी वहीद जफर इज कराची। कराची क्योंकि भुट्टो ब्रॉट हिम टू इस्लामाबाद व्हेन ही सैंग समथिंग फॉर इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, याद है ना। फिर ज़िया दौर में अल्लाहू अल्लाह वाज वेरी फेमस, ये भुट्टो दौर में ही फेमस हो गई थी, अल्लाहू अल्लाह वाज भुट्टो एरा। ज़िया तो आया 77 में, क्योंकि आप देखें ना कि टीवी के अलावा उनका काम इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो टीवी के अलावा और क्या काम। और फिर शायर भी नहीं थे, कारी वहीद जफर लिखते थे, शेर कहते थे। And Kari Vahid Zafar is alive. Is he? I think he's alive. Kari Vahid Zafar. वो देखें अपना ये जो कव्वाल थे, अमजद साबरी। साबरी। अमजद साबरी, again he died 5 years ago, 5-6 years ago. Kari Vahid Zafar alive. Kari Vahid Zafar is alive. अमजद साबरी 10 साल हो गए होंगे अमजद साबरी। नहीं 10 नहीं। ऑलमोस्ट उसने कहा हो सकता 7-8 साल। नहीं 7-8 साल भी नहीं। ये कोई इसी किस्म का योनरा यही लग रहा है मुझे। कवाली, कवाली नात। मकबूल साबरी। मकबूल साबरी यस। मकबूल तो लिखता भी था ना, लेकिन गुलाम फरीद साबरी लिखते भी थे। गुलाम फरीद साबरी तो बहुत पहले फौत हो गए थे, तकरीबन 25 साल हो गए मकबूल साबरी नू। हाँ जी। और मियाँ अजीज मियाँ कव्वाल, उन्होंने भी 10-15 साल। अजीज मियाँ लाहौर। लाहौर या मुल्तान? नहीं नहीं पंजाब। पंजाब। क्या कव्वाल थे अजीज मियाँ। आमदी फिक्रे पैरां तई, दो दो घंटे कोई किताब नहीं, जो कही जा रहे ने वो जुड़ जुड़ के अगे आई जा रहा। क्या बात, मैंने जमीन पे देखा फलाना फिक्रे ना फिक्रा आई जा रहा, कव्वाली चली जा रही। कितने सवाल हुए जी? 16 सवाल। 16 सवाल की कसौटी को सलाम, वकील साहब तेरी बेबसी को सलाम। सलाम सलाम जनाब, अगर थोड़े दंदी वड़ी है तो दर्द होंगी। क्या बदतमीजी है, वैसे ही मैं कह रहे हैं। मोस्ट लाइकली राइटर म्यूजिक, वाई नॉट कुरैशपुर, वाई नॉट, वेरी पॉसिबल। लेकिन कुरैशपुर तो शायर भी थे ना। हाँ शायर, इन्होंने कहा नहीं थे। आई डोंट नो कि वो शायर थे। आपने कहा नहीं थे शायर? नहीं थे, मुझे नहीं पता कि वो शायर थे कि नहीं। शायर ही थे ना उनके। और भाई वो इफ्तिखार आरिफ थे। नहीं नहीं, ये भी कुरैशपुर शायर थे। एंड आई थिंक ही डाइड इन कनाडा। हमने शायरी का नहीं सुना, मैंने आज तक नहीं सुना है। इस तयकुन से जब बंदा बात कर रहा होता है ना, उसे नींद बहुत आई होती है। I think Kurashpur was a poet. आप सुना चाहते हैं तो मैं दोनों सीट जोड़ देता हूँ। मतलब है कि उनकी वजह शोहरत शायरी हरगिज़। पोएट तो मैं भी हूँ। अच्छा मैंने नहीं अभी आज शेयर किया था, FSJ ऑन इज वे इज निकाल के, इसने कहा था इज ऑन इज वे, मैं कह नहीं शायरी करनी थी, FSJ ऑन इज वे इज ऑन इज वे से हट जाएगा। आपका वो नहीं ठीक किया था मैंने, ये जो निकाल दिया इमरान खान के सामने जो प्रेजेंट है, मैं कहा भाई ये कट के दे, नहीं वो मैं कहा साकतुल वजन हो जाता है। अच्छा अच्छा उन समझ आ गए, इमरान ने उसे देखा कि तन उन पता लग गया कौन है। खातिन हजरात 16 सवाल हो चुके हैं, लेकिन एक खामोशी सी इस हॉल में छाई हुई है। डॉक्टर अरूबा अच्छा जी चैलेंज करके मुतमईन कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई हैं, और शकील जो नीम ख्वाबगाह में जाते हुए नीम ख्वाबगाह नहीं नीम ख्वाबीदगी, तो उसमें जाके कसौटी बूझने की। अच्छा जी बड़े बड़े नाम लें सर टेलीविज़न के,
जो 10 साल पहले जिनसे हम महरूम हो गए, तकरीबन 10 साल पहले, कराची की शख्सियत, लेकिन नॉट नेसेसरीली फॉर कराची सेंटर, उबैदुल्ला बेग कैन बी अ पर्सनैलिटी, होस्ट उबैदुल्ला बेग अगर देखा जाए तो वॉज अ मच बिगर कैरेक्टर। ओहो, मैंने बड़ा सैलानी भी उनका था ना प्रोग्राम टेलीविजन पे। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्रीज थी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज। यकीनन होगा, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सका, लेकिन नहीं अच्छी थी, इल्म का वाकई मीनार थे वो। 16 सवाल हुए हैं जी, 17th क्वेश्चन मैं ये दागने लगा हूँ कि मशहूर प्रोग्राम कसौटी के साथ वाबस्ता थे। जी सर। यस, देयर यू गो, बिल्कुल, यस। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर होम, अभी 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 17 सवाल कसौटी। अच्छा जी, अब ये कि बेसिकली उबैदुल्ला बेग सर एक सेकंड, कसौटी के एंकर थे, होस्ट थे कसौटी के, वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं, इफ्तिखार आरिफ तो बहुत बड़े शायर, इज अलाइव एंड बहुत बड़े शायर, इज अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरैशपुर जो हैं, इन्होंने कहा था शायर नहीं है, हां तो वो तो शायर थे, तो आप यही है कि बेस्ट तरीके होस्ट पूछें और नो में जवाब लें, क्या ख्याल है? बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि ये नहीं मैं कह सकता अच्छा जी वो पूछने वालों में से थे। अच्छा जी, वाज ही द होस्ट ऑफ कसौटी? नो सर। नो सर। फिर आपने उबैदुल्ला बेग पूछे हैं। जी सर। अरे मुकाम, आगे पीछे डेथ हुई थी 2012 में बेग साहब की और 13 में कुरैशपुर से। जी, देखिएगा कॉन्सेप्ट जो था ना कसौटी का, वो उबैदुल्ला बेग, यस उबैदुल्ला बेग, और मेन उसके आर्किटेक्ट भी वही थे मैं। और उबैदुल्ला बेग की बहुत ज़बरदस्त जो है डॉक्यूमेंट्री सैलानी, जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान 300 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, 300 पीटीवी पे चली, पाकिस्तान गूगल पर्सोनिफाइड, यानी उस जमाने में जब सर्च इंजन्स भी नहीं थे। अच्छा, जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई हो ना, उसको इन चीजों का बहुत इल्म होता है, ना चाहते हुए भी। सर 300 डॉक्यूमेंट्रीज वो पढ़ता है। सर अयाम गुरबत में मैंने जब Now I love him even more. नगरी 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 गांव गांव किया था ना, और पीटीवी ये जितने डिस्ट्रिक्ट थे सारे मैंने कर लिए। आज अगर मुझे पता है कि इट इज शिकारपुर, नॉट खैरपुर, जहाँ का अचार मशहूर है, बिल्कुल एक बरोही मशहूर है, ये बात। यानी ये कौन सा जिला है जिसकी बल्दिया सरे शाम अरके गुलाब का छिड़काव किया करती थी? इट वॉज सच अ रिच डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी बड़ी मशहूर थी, वो जो कवर्ड मार्केट थी ना, लकड़ी की छत, बिल्कुल, बड़े अमीर लोग थे, और वहाँ के यूनिवर्सिटी, हाँ बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, कहाँ, शिकारपुर। तो ये सारे मैंने कर रखे थे नगरी नगरी गाँव गाँव के लिए। माई मदर इन लॉ इज फ्रॉम शिकारपुर। अच्छा जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। सब मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी सर। एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं, वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर, 1973 से पहले। 100 साल से ज्यादा? नो सर, 1923 और 1973 के दरमियान। 47 से पहले डेथ हुई? जी सर, 1923 से 1947 के दरमियान। तो ताल्लुक कहाँ से? एशिया से। 1923 से 1947 तक। और साउथ एशिया से ताल्लुक? साउथ एशिया नहीं मैंने पूछा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इधर से ही। आप साउथ एशिया पूछते हैं, एशिया की मैंने एक लम्हा आपको। साउथ एशिया से ताल्लुक? जी सर, मतलब दैट वाज अंडरस्टूड एनीवे। नो इट वाजंट, इट वाज अ नैरो एस्केप। 1923 टू 47। 1947 شخصیت جی سر اور تعلق سیاست اور سیاست حکومت تو ہو نہیں سکتی لیکن سیاست سے سیاست سے تعلق جی سر سیاست سے بھی ہے ये भी है जी सर। दूसरा ताल्लुक जर्नलिज्म। किनका आपके ज़हन में आ रहा है? जौहर ब्रदर्स। जौहर ब्रदर्स,
मौलाना मोहम्मद अली जौहर, क्योंकि जफर अली खान की डेथ बाद की है। तो बाद में पूछने जर्नलिज्म सियासत से ताल्लुक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद है ना, एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बैरीड इन पैलेस्टाइन, ताल्लुक सहाफत से भी था। जी सर, वार्ड का क्या नाम था? ऐसा कॉमरेड, 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 और एक हमदर्द था, कॉमरेड, असल कॉमरेड अंग्रेजी में और हमदर्द उर्दू में। चलिए जी। अच्छा जी, एडिटर बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, तहरीक खिलाफत के साथ गहरा ताल्लुक था। जी सर, और पैलेस्टाइन में दफन है। जी सर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जी सर, That was quick. That yeah. was very good. Quite a compensation. How many questions? Very good. 12 सवाल. करते करते भी 12 पे पहुंच गए।